ओके बेटा, सामने क्वेश्चन और स्टार्ट कर देता हूँ। वॉइस पहुंच रही बेटा? ये क्वेश्चन है जी मेन 2017 का। इलिप्स कर रहे थे, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला मिक्स क्वेश्चन है ये। कॉनिक सेक्शन, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हुज सेंटर इज ओरिजिन इज 1/2। ये जो 1/2 वो इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी, ई इन्होंने 1/2 दे रखी है। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज 1/2। इफ वन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिसेस इज एक्स इक्वल टू -4, डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखा है एक्स इक्वल टू -4, और अपनी साइड से भी डायरेक्ट्रिक्स, इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स -a/e होती है। दो होते हैं प्लस माइनस ए, जो नेगेटिव की वजह से इसके साथ ये कंपेरेबल है। इन्होंने डायरेक्ट्रिक्स ये दे रखी है। हम लोगों की जो नॉलेज है वो ये, तो ए बाई ई शुड बी 4। और आगे क्वेश्चन अभी रीड करूंगा। अभी तक जो हमारी फाइंडिंग है, ए बाई ई की वैल्यू 4 बैठती है, तो ई की वैल्यू वहां पुट कर दो। ए इज 4e, 4 × 1/2, ए की वैल्यू 2 बन गई। ए की वैल्यू 2, तो बी कैन बी फाउंड। क्या है ये? इलिप्स है, तो एलिप्स का जो बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू 1 − e² होता है। तो कम से कम एलिप्स का पता लग गया। फिर आगे क्वेश्चन रीड करूंगा। एलिप्स अरेंजमेंट है इसके अंदर, तो ए स्क्वायर मीन्स 4, 1 − e² मीन्स 1/4, तो ये हो गया 4 × 3/4। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, और ए की वैल्यू 2 ही पड़ी है। तो कम से कम हाइपरबोला इलिप्स रेडी हो गया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारी ये है। फिर और आगे रीड करता हूं कि हमें करना क्या है। x² / a² + y² / b² = 1। x² / a² हो गया अपना 4, y² / b² = 3, 1। इलिप्स तक आप पहुंच गए। अब क्वेश्चन आगे रीड किया जाए। क्वेश्चन ने आपको एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स दे दी थी, e = ½ दे दिया, और एक डायरेक्ट्रिक्स दे दी x = −4। a/e की वैल्यू 4 डाल दी हमने, a का वैल्यू का पता लगा लिया, और फिर बी स्क्वायर का पता लगा लिया। दोनों यहां पुट कर दिए, इलिप्स तक पहुंचे। अब आगे रीड करो। देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इट एट 1, 3/2। इलिप्स का नॉर्मल पूछ लिया क्वेश्चन ने, क्योंकि क्वेश्चन इलिप्स से स्टार्ट हुआ था। तो नॉर्मल टू इट का मतलब इलिप्स। आपसे मांग दिया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, 3/2। टेंजेंट नहीं, नॉर्मल की इक्वेशन मांगी क्वेश्चन ने। तो आपको नॉर्मल एट 1, 3/2 बताते हैं। इनकी डिमांड है नॉर्मल एट 1, 3/2। ठीक, अब इलिप्स का के नॉर्मल का फार्मूला। नॉर्मल टू x² / a² + y² / b² = 1 एट x1/1 इज एज फॉलो। टेंजेंट आपको आती होगी पहले से, x x1 / a² + y y1 / b² = 1, वो होती है टेंजेंट। नॉर्मल की इक्वेशन अब आपको याद करनी है, a² x/x1 − b² y/y1, a² − b² फार्मूला है, याद करें। और हाइपरबोले के लिए ना ये प्लस होता है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, और पैराबोला का अलग होता है। मैं अभी तीनों भी लिख दूंगा एक जगह पर, बाकी जो आपको नोट्स दिए हुए उनमें सारे हैं, मैं
फिर से यहां लिख भी दूंगा। तो फिलहाल इलिप्स का ये होता है, ठीक। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 चल रही है, इलिप्स आपके सामने तो है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू 3, वो इसमें पुट कर दो। x1 भी इन्होंने दिया हुआ है, नॉर्मल एट x1 / 1, ये जो पॉइंट दिया ना, ये पॉइंट ही x1 / 1 है। तो सारा मटेरियल दिया हुआ है, तो नॉर्मल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ए स्क्वायर क्या है 4x, x1 क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर क्या है 3/1 क्या है 3/2 इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 4 और बी स्क्वायर क्या है 3। ये जो आ गया, ये आंसर आ गया 4x माइनस 3 से 3 कैंसल 2/1, 4x माइनस 2/1 नॉर्मल आया। और नॉर्मल की इक्वेशन यहां पर देखो आप ऑप्शन सी में 4x माइनस 2/1 दिख रहा। अब आपको कोई डाउट हो वो पूछ लीजिए, फॉर्मूला है वो तो याद करना है, चॉइस नहीं है। और रही बात कि दूसरा कोई नॉर्मल आ गया कल को तो हम आपको बताते हैं, नॉर्मल टू पैराबोला, नॉर्मल टू पैराबोला एट x1/1। पैराबोला कौन सा, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला स्टैंडर्ड पैराबोला माना जाता है। अच्छा, इसी का नॉर्मल आपको याद करना, रिमेनिंग याद नहीं करना, रिमेनिंग तो ऑन द स्पॉट डिराइव करने होते हैं। बाय माइनस बाय वन माइनस बाय वन बाय टू ए एक्स माइनस एक्स वन, ये नॉर्मल टू पैराबोला होता है। फिर नॉर्मल टू इलिप्स, इलिप्स कौन सा वाला, फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हॉरिजेंटल इलिप्स का, उसी का नॉर्मल याद करना एट x1/1 इज, वो यही था ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर बाय 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 वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नॉर्मल टू कल को हाइपरबोला बात हो तो हाइपरबोला भी फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला ये यही इक्वेशन है, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्वायर बाय 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 वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सभी बच्चे याद करते हैं, आप भी याद करें। इसके अलावा जो नॉर्मल है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में और होते हैं इनके, वो फाउंडेशन के नोट्स देखिए उनमें मिलेगा आपको, ठीक है। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट भी होती है, नॉर्मल भी होते हैं। अब यहाँ सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के साथ लिखना में टाइम बहुत लगता है। हम अब आगे डाउट पूछ सकते हो बेटे कुछ, तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का ही है, यहां से स्टार्ट हुआ। ए हाइपरबोला पासिस पॉइंट √2, √3। आपका हाइपरबोला इस पॉइंट से पास होता है, पॉइंट से पास कराने के लिए आपको ना हाइपरबोला की इक्वेशन एडवांस में लिखनी पड़ती है। तो आप चाहो तो अभी पॉइंट से अगर पास कराना है तो हाइपरबोला अज्यूम कर लो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अज्यूम कर लिया। और अब √2, √3 से इसे पास करा दो, तो पासेज थ्रू √2, √3, तो ये वो क्या देगा आपको, एक इक्वेशन मिलेगी √2² 2/a² - √3² (3/b² = 1। तो हाइपरबोला पासेज थ्रू द पॉइंट √2, √3 एंड हैज फोकाई +/(2, 0). इन्होंने फोकस दी हाइपरबोला की +/(2, 0) और हाइपरबोला की फोकस आपको याद है बेटे क्या होती है, बताओ फार्मूला। +/(ae, 0) +/(ae, 0) एंड देयरफॉर
वैल्यू ऑफ ए इज टू, ए की वैल्यू टू आ गई, ठीक। अच्छा देन द, वो सब दिया हुआ है, इसके बाद देन द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हाइपरबोला नहीं, टेंजेंट टू हाइपरबोला, पहले तो हाइपरबोला निकालिए फिर उसकी टेंजेंट भी निकालनी पड़ेगी, तो टेंजेंट टू हाइपरबोला एट पी, पी पॉइंट दिया हुआ है, यही पॉइंट है, आपको पता है क्या निकालना है, टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट द पॉइंट पी, रूट टू कॉमा रूट थ्री पर टेंजेंट निकालनी है आपको, एंड दैट टेंजेंट ऑल्सो पासेज थ्रू वन ऑफ दीज पॉइंट्स, जब टेंजेंट आ जाएगी तब ए बी सी डी के साथ ट्रायल करके पता लगाना पड़ेगा कि वो टेंजेंट ए बी सी डी किससे पास होती है, ये पता लगाना है। हाइपरबोला ऑल्सो पासेज थ्रू द पॉइंट नहीं है, हाइपरबोला नहीं, टेंजेंट टू हाइपरबोला एट पी ऑल्सो पासेज थ्रू द पॉइंट, ठीक। तो पहले हाइपरबोला का पता लगाते हैं, हाइपरबोला का पता इतनी इंफॉर्मेशन के साथ लग जाएगा, क्योंकि हमें इक्वेशन आती है, वी नो दैट हाइपरबोला की वो ई गिविंग इक्वेशन बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इन टू ई स्क्वायर माइनस वन, ये ई इक्वेशन एक्स्ट्रा इक्वेशन हमेशा आपके काम आती रहती है। सो दिस गिव्स यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया फोर माइनस ए स्क्वायर, ये आपको बी स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है, बी स्क्वायर की इस वैल्यू को टू में यूज कर दो, ठीक है, टू में यूज कर दे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो फोर और टू एक साथ दिख रहे हैं आपको, यूज फोर इन टू वाट यू गेट टू बाय ए स्क्वायर, कॉपी करें माइनस थ्री बाय बी स्क्वायर का मतलब फोर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन, इससे आपको ए स्क्वायर मिलेगा, धीरे धीरे ए स्क्वायर की वैल्यू फोर में पुट करोगे तो बी स्क्वायर मिलेगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों वन में पुट करोगे तो हाइपरबोला मिल जाएगा, और उसके बाद हाइपरबोला की टेंजेंट का अरेंजमेंट करेंगे। इतने में कहीं डाउट लग रहा हो पूछो बेटे, सो वी गो ऑन फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, जब तक ए स्क्वायर आ नहीं जाता तब तक स्ट्रगल करते रहेंगे, ए स्क्वायर जब आ जाएगा तब हम आएंगे इक्वेशन फोर पर बी स्क्वायर निकालने, और जब बी स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों तय तब आएंगे वन पर, तो हाइपरबोला निकलेगा, उसके बाद टेंजेंट निकाली जाएगी। तो टेक द एलसीएम, ए स्क्वायर इंटू फोर माइनस ए स्क्वायर इज वन बाई वन तो है ही, इधर टू फोर जा एट माइनस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वन इंटू दिस एट माइनस फाइव ए स्क्वायर, राइट साइड में ए स्क्वायर इंटू फोर फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए टू द पावर फोर, मटेरियल को लेफ्ट में लाइए, ए फोर लेफ्ट में आया पॉजिटिव, फाइव ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन ए स्क्वायर हो गया, एट पॉजिटिव ऑलरेडी हुआ पड़ा इक्वल टू जीरो, फैक्टर वैक्टर कर लो, एट बन जा एट के माइनस एट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर आउट, ए स्क्वायर माइनस एट माइनस वन कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस एट फाइनल आउट हो गया इंटू ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस एट इक्वल टू जीरो और ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर की टू वैल्यूज एट कॉमा वन, देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू हमें सूट करती है। इक्वेशन नंबर फोर जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था बी स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस ए स्क्वायर है, वो फोर हमने ऊपर से कॉपी कर दी है, ठीक है, फोर माइनस ए स्क्वायर एट हो गया, फोर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू वन, क्योंकि ए स्क्वायर वैल्यू दोनों वन बाई वन पुट कर दो, बी स्क्वायर आ गया आपका माइनस फोर कॉमा थ्री, तो बी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बी स्क्वायर का नेगेटिव वैल्यू है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नेवर नेगेटिव रिजेक्टेड, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई, तो बी स्क्वायर की माइनस फोर रिजेक्ट हुई,
तो ए स्क्वायर की 8 वैल्यू भी रिजेक्ट हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आई थी ये भी रिजेक्ट हो गई। क्यों? ए स्क्वायर इक्वल टू 8 गिव्स यू बी स्क्वायर इक्वल टू -4। तो उसका बी स्क्वायर जिस वैल्यू से आया वो वैल्यू ए स्क्वायर की भी रिजेक्ट हो गई। तो बच्चा क्या, बच्चा ए स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 3। विद दीज वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी विल फॉर्म हाइपरबोला। इसमें कहीं डाउट हो इस पेपर के ऊपर तो पूछ लो बेटे, यहां से स्टार्ट हुआ था, बाकी साफ है, फिर भी कहीं लगे तो अभी सामने बैठे बस पूछ सकते हो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की इन वैल्यूज के साथ हम चलते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन लिखने। तो हाइपरबोला की इक्वेशन रही ये, हाइपरबोला आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने 1 आई थी, वाई स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू 3 आई इक्वल टू 1। और हाइपरबोला में ए लेस देन बी हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरबोला में प्रॉब्लम है। हाइपरबोला में ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और इवन ए इक्वल टू बी हो तो भी टेंशन नहीं। तो ये ए स्मॉलर है चल जाएगा, इलिप्स में प्रॉब्लम है। इलिप्स तो दो इलिप्स होते हैं, तो एक्स स्क्वायर के नीचे का नंबर अगर स्मॉलर हो तो सेकेंड इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इलिप्स में प्रॉब्लम, हाइपरबोला में तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर से 5। अब इसकी आपको निकालनी है टेंजेंट। क्वेश्चन कह रहा था टेंजेंट टू हाइपरबोला नंबर 5 एट द पॉइंट पी। पॉइंट क्वेश्चन ने दे रखा था √2, √3। टेंजेंट टेंजेंट एट का मतलब है पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला। अच्छा, एट मतलब ये होता है, एक होता है टेंजेंट फ्रॉम। तो टेंजेंट फ्रॉम के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है जो आप जानते हो। टेंजेंट एट का फार्मूला है जो आप जानते हो कौन सा, एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर, एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर, बाय स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय वाई बाय वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये टेंजेंट आपकी रेडी हो गई, ये टेंजेंट है। अब आपको पता लगाना ये टेंजेंट कौन से पॉइंट से पास होगी, कौन से पॉइंट से पास होगी। जो ए बी सी डी इन्होंने दे रखे हैं 4 पॉइंट्स, तो आपको ये पता लगाना कि ए से पास होता बी से, सी से या डी से। पॉइंट 1/1 इसमें पुट करना है, जो पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर दे वही आंसर है। तो हमने क्वेश्चन को कई बार करके देखा हुआ, यहां आंसर लिखा भी है। तो हम एक ट्रायल सी करते हैं, उसी तरह दूसरे ट्रायल आप करना। तो सी का ट्रायल, एक ट्रायल राइट वाला कर रहा हूं और रॉन्ग वाले ट्रायल आप कर लेना। सी को इसमें पुट कर दो, एक्स रिप्लेस बाय 2√2 × √2 माइनस वाय रिप्लेस बाय 3√3 × √3 / 3 इक्वल टू 1। तो इसे 2 × 2 = 4 हो गया, माइनस 3 से 3 कट के √3 × √3 = 3 इक्वल टू 1 क्या आ गया, ट्रू। सो ऑप्शन सी इज राइट। मैंने राइट वाली ऑप्शन बता दी, क्वेश्चन मैं करता ही रहता हूं, तो सॉल्यूशन नो आंसर तो पता है, ये आंसर सी मैंने पहले भी लिख रखा है, ठीक है। और एग्जाम में ना क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, सबको एडवाइस करता हूं। ये क्वेश्चन जब 2017 में आया ना पहली बार, तो मैंने खुद टेंजेंट रीड ना करके हाइपरबोले को पास कराने का ट्राई किया फर्स्ट ट्रायल में। तो हाइपरबोला तो इन पॉइंट से पास ही नहीं होता, वो तो टेंजेंट पास होती है। तो फिर जब हाइपरबोला एक भी से पास नहीं हुआ तब मैंने टेंजेंट निकाली थी, काफी 2000 से मुझे आज भी इंसिडेंट याद है। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन ठीक से रीड करना है, यही नहीं सारे क्वेश्चन को ठीक से रीड करना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। हाइपरबोला को पास नहीं कराना, टेंजेंट को हाइपरबोला को पास कराना, ठीक है। ओके, और कोई डाउट हो पूछो बेटा। नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो मैं अब अगला क्वेश्चन करता हूं बेटा। बस यही लेवल आता है, सामने है जो आता है वो अभी सारे करा था। 2020 का भी आपके नोटिस में ला दूंगा, थोड़े थोड़े लाइफ ट्रिक पर बेस्ड होते हैं। 2020 के इस क्वेश्चन को देखो,
टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला एट एट क्यों, एट का मतलब पी क्यों लाए ऑन द हाइपरबोला, हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर ली। ये हाइपरबोला ने दिया हुआ है 4x2, मैं हाइपरबोला पहले बता दूं फिर आगे रीड करूंगा, y स्क्वायर इक्वल टू 36, तो 36 का डिवीजन करें जो हाइपरबोला आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, x स्क्वायर बाय 9 y स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1, हाइपरबोला आपका सही फॉर्म में आ गया। अच्छा, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला एट पी एंड क्यू, तो अगर शॉर्टकट में यहाँ पे ना ऐसा हाइपरबोला टेम्परेरी हाइपरबोला मैंने बना दिया, पी पर टेंजेंट ड्रा होनी है और क्यू पर टेंजेंट ड्रा होनी है। अच्छा, जो क्वेश्चन कह रहा है बताना तो पड़ेगा। तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला एट पी एंड क्यू, पी क्यू दिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेम्परेरी फिगर देखिए ये रही हाइपरबोला है एक ब्रांच पे या दोनों ब्रांच पे, मतलब ड्रा कर दिया। फिर क्या हुआ, इफ दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट पी, इन्होंने ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है। हम क्वेश्चन को अगर ऐसे बोले ना कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पी टू द हाइपरबोला तो गलत नहीं, गलत बात नहीं है, टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम टी टू द हाइपरबोला। अच्छा, फ्रॉम टी टू द हाइपरबोला की जो ये टू टेंजेंट्स है इनका फार्मूला आपको आप वो वाला नहीं है एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस बाय बाय वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वो फार्मूला कब का है, जब पॉइंट कर्व के ऊपर हो, तो आप अभी टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ नहीं निकाल सकते। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन नहीं जान, वो वाली इक्वेशन नहीं है, टी डजंट लाई ऑन हाइपरबोला। देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ट्राइंगल पी टी क्यू, ट्राइंगल जो ये बन गया ना पी टी क्यू, इस ट्राइंगल का एरिया क्वेश्चन ने डिमांड कर दिया इसका। अब इसमें एक वर्टेक्स आपको पता है, रिमेनिंग टू वर्टेक्स किसी तरह पता लग जाए तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हो। तो रिमेनिंग टू वर्टेक्स पता लग सकते हैं अगर आप पी क्यू और हाइपरबोला को सॉल्व करें, पी क्यू और हाइपरबोला को सॉल्व करें। हाइपरबोला आपके सामने लिखा है, पी क्यू कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट है। ये सिचुएशन को देखें, आपको शायद थोड़ा बहुत आता है, जो इस सिचुएशन में ना इसे कहते हैं कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। चाहे हाइपरबोला हो, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, कोई भी हो, बाहर से जब टू टेंजेंट्स ड्रा करोगे, ये सर्कल है मान लो, टेंजेंट्स ड्रा कर दिया इसी, तो ये क्या होती है कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। वहां सीओसी शॉर्टकट में कर दिया, यहाँ फुल लिखा है। और कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट की इक्वेशन वही होती है जो टेंजेंट का फार्मूला है एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन का फार्मूला है एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस बाय बाय वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, यही टेंजेंट का फार्मूला है। फर्क यह है कि टेंजेंट के केस में एक्स वन बाई वन कर्व के ऊपर होता है और कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट के केस एक्स वन बाई वन कर्व के बाहर होता है और ये वो पॉइंट है जहां से आपने टेंजेंट ड्रा किए, तो ये कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट की इक्वेशन होती है सारे कर्व्स में, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, सर्कल, सब में कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट की इक्वेशन और टेंजेंट एट एक्स वन बाई वन से होते हैं। ठीक है, ऑल केसेज में टेंजेंट एट एक्स वन बाई वन इज इक्विवेलेंट टू कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्स वन बाई वन, और लिखूं कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्स वन बाई वन, ये दोनों सेम होते हैं। अच्छा, तो वो अपना याद करके रखना है। तो एक्स एक्स वन की वैल्यू जीरो, एक्स इंटू जीरो बाय ए स्क्वायर नाइन हुआ पड़ा, बाय बाय वन कितना थ्री, बी स्क्वायर 36 हुआ पड़ा है इक्वल टू वन, और इस तरह से ये तो जीरो हो गया तो वाई इक्वल टू माइनस 12 आया, ये क्या आया कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट पी क्यू की इक्वेशन आ गई, ये आ गई इक्वेशन ऑफ पी क्यू।
इक्वेशन ऑफ पी क्यू को हाइपरबोला के साथ सॉल्व करोगे तो पी और क्यू दोनों पॉइंट आ जाएंगे, और जब पॉइंट आ जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में स्टेयर मेथड लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कुछ डाउट पूछ सकते हो? ओके, तो लेट अस सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू। सॉल्व वन टू टू गेट पी क्यू, स्टार्ट सॉल्विंग। तो एक्स स्क्वायर बाई नाइन माइनस बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर को 144 लिख दो, माइनस 12 का स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू वन। 36 फोर जा 144, तो एक्स स्क्वायर बाय नाइन इक्वल टू 4 प्लस 1 5 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45 का मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5, 9 जा 45 है ना, 3√5, मैंने गलती कर ली, अपोजिट लिख दिया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3√5। तो एक्स ये आ गए 2x और वाई फिक्स है माइनस 12 दोनों बार, तो इस तरह आपको पी और क्यों मिल गया। तो क्या आ गए, P, Q आर गिवन बाय प्लस माइनस 3√5, ये x है और y इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स का फिक्स है, P का भी और Q का भी, y से। अब मैं ट्राइंगल PETQ यहां बना देता हूं एक बार, जो आपको और भी समझ में अच्छा आ जाए। ये P पॉइंट रख लो, ये पॉजिटिव वाला रख लो, मर्जी है वो तो आपकी, 3√5 माइनस 12। फिर क्यों पॉइंट है अपना माइनस 3√5 माइनस 12, और वो जो इन्होंने टी दिया हुआ है वो 0.3। तीनों पॉइंट पता हो गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है, स्टेयर मेथड से आसानी से मिल सकता है। देखो पूछो डाउट बेटे, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है हाफ के बाद स्टेयर बना दो, 0.3 माइनस 3√5 माइनस 12, किसी भी ऑर्डर में कैसे भी लिख दो सही आ जाता है, 3√5 माइनस 12 एंड 0.3 बैक, एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, एक्स थ्री बाई थ्री, एक्स वन बाई वन बैक, फर्स्ट क्वार्टर विल बी बैक हियर एंड एक्सपांड नाउ। एक्सपांशन करते हैं तो जीरो जीरो इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 9√5 आ गया, नेक्स्ट होगा 36√5 प्लस 36√5, नेक्स्ट आया 36√5 प्लस 36√5, और नेक्स्ट आया 9√5 प्लस 0। ये नंबर हमें मालूम पड़े कैलकुलेशन के बाद, 90√5, ये टोटलिंग की मैंने 90√5 और उसका 1/2 हाफ, तो आ जाएगा 45√5, और 45√5 ऑप्शंस में है, अवेलेबल है, देखो दिखाता हूं आपको, ये ए बी सी डी ऑप्शंस थे यहाँ पर अवेलेबल है, और आंसर डी जो कि हमने एडवांस में भी लिख रखा, पहले भी सॉल्व किया ना कई बार। तो अब कोई डाउट लगा हो मन में, कोई कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट जैसे रास्ते में आई तो सभी कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट याद करें, जैसे मान लो पैराबोला का कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट चाहिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का आपको क्या चाहिए कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट एट एक्स वाई वन, है कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्स वन वाई वन, तो बाय बाय वन 4a एक्स रिप्लेस बाय एक्स प्लस एक्स बाय टू, यही टेंजेंट का रूल हमने बताया था एक दिन पहले, तो ये कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, जो टेंजेंट का रूल है वही कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का रूल है। और कोई मन में क्वेश्चन आता हो तो, बाकी सारे लिखे हुए वहां पे फाउंडेशन में, सब लिखे, कुछ सर्कल के फाउंडेशन में लिखे,
और कुछ कॉनिक के फाउंडेशन में लिखे हुए लिखा था, बहुत फार्मूला भरा पड़ा फाउंडेशन नोट्स में। ओके, इसके बाद यह है 2019 का क्वेश्चन। द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल आर ए बी सी एंड पेरीमीटर इज 4, देन लोकस ऑफ सी इज डिमांडेड। एक ट्राइंगल की बात फिर से इसने की, टेम्परेरी ट्राइंगल हमने ये देखो ड्रा कर दिया। ए फॉर ओरिजिन है इसका, बी फॉर 0 1, सी फॉर एक्स वाई गिवन है एंड पेरीमीटर इज 4। कभी एरिया दे देते हैं तो कभी पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर 4 दिया हुआ। लोकस ऑफ सी, इस सी पॉइंट का लोकस मांग दिया, मतलब सी पॉइंट में के जो एक्स वाई है इनमें रिलेशन कोई निकालना है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी द लोकस ऑफ सी। तो क्या किया जाए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज पेरीमीटर। और इसको लेके आगे चलिए, एक्स वाई में जो इक्वेशन आएगी वही एक्स वाई का लोकस होगा। तो AB की लेंथ निकालो यहां से, डिस्टेंस पढ़ने से स्क्वायर रूट 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 BC, BC की लेंथ हुई स्क्वायर रूट x माइनस 0 होल स्क्वायर बाय माइनस 1 होल स्क्वायर CA अंडर द रूट एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर बाय माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये वाला जो 1 है वो 4 में से माइनस कर लो तो 3 हो गया। लोकस रूट में आया, रूट में आंसर कभी लिखते नहीं है लोग, ये देखो आंसर स्क्वायर, वैसे तो लोकस आ गया, यही लोकस है जो आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट में आया हुआ है, स्क्वायर रूट इन्हें रिमूव करके देना पड़ेगा आपको। तो क्या करिए, एक स्क्वायर रूट लेफ्ट में रखिए, स्क्वायर रूट रिमूव करने का यही तरीका है, और एक स्क्वायर रूट को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। अब स्क्वायरिंग करिए, डायरेक्ट स्क्वायरिंग करोगे फिर तो बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है ये काम। स्क्वायर रूट का जो बैलेंस है हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सम बैलेंस टू बी रिटन इन लेफ्ट एंड अदर स्क्वायर रूट टू बी ब्रॉट टू राइट साइड। Now squaring both sides, SBS square root will cancel. Start writing x square by minus 1 whole square by square minus 2 by plus 1 a minus b whole square open करें 3 square 9 plus square of second x square plus y square minus double of product 6 root x square plus y square x square बाय स्क्वायर गेट कैंसल्ड माइनस 2 बाय 1 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 6 रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर माइनस 2 का डिवीजन तो बाय प्लस 4 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर। एक बार और स्क्वायरिंग कर में तो काम आपका बन जाएगा, और डायरेक्ट यहां से स्क्वायरिंग की अगर फिर तो बहुत मुश्किल है, करके देखिए पता लग जाएगा आपको। शिफ्टिंग नेसेसरी, मतलब कभी भी दो स्क्वायर रूट हो ना, ए स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू समथिंग, तो उसको इसी तरह टैकल किया जाता है ऑलवेज सारे मैथमेटिक्स के अंदर। तो नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स वंस मोर, अब की बार में आंसर मिल जाएगा। तो बाय प्लस 4 होल स्क्वायर कर लो, बाय प्लस 4 होल स्क्वायर 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर बाय प्लस 4 होल स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस 8 बाय प्लस 16 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय स्क्वायर। सारा मटेरियल उधर शिफ्ट कर दो, उधर वाले ज्यादा अच्छे हैं। 9 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 9 बाय स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर 8 बाय स्क्वायर माइनस 8 बाय उधर माइनस 16 उधर इक्वल टू 0। शिफ्टिंग कर दी और आपका आंसर इसमें ऑप्शन सी दिख रहा है। देखो आपको आंसर भी मैच कराता हूं।
तो दिखाई पड़ने, आंसर भी दिख रहे हैं सारे, ये देखो। तो ये जो आपका रिजल्ट है वो सी से मैच कर रहा है, 9x² + 8y² - 8y = 16। और सारे रिजल्ट है देखने में एक सिमिलर से लगते हैं, आंसर आने के बाद भी इसको ठीक से देखना पड़ेगा हमारा आंसर कौन सा मैच करता है। ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ था और सी पॉइंट का लोकस मांग दिया। क्वेश्चन ये बोलो बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, तो गलत बोल रहे हो। पेरीमीटर दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है इतना। एरिया दे दे तो एरिया को यूज कर देते, पेरीमीटर दे दिया तो पेरीमीटर को यूज, एरिया दे देता ना तो स्क्वायर मेथड लगा के एरिया को यूज, एरिया मान लो 4 देता, स्क्वायर मेथड लगा देते और एक्स वाई में जो भी रिलेशन आ जाता वो एक्सेप्ट कर लेते, एक्स वाई का लोकस। तो इसमें पेरीमीटर दिया, कल को एरिया दे सकता है। थोड़ा बहुत थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब ये आ गया 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन। ए लाइन पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू हाइपरबोला एट x1 y1। क्वेश्चन कहता है कि इस लाइन के पैरेलल कोई टेंजेंट है, कोई लाइन है, इस लाइन के पैरेलल लाइन वो है क्या? टेंजेंट है। किसकी टेंजेंट है? हाइपरबोला की। और कहां पर? एट x1 y1। मतलब ये एट वर्ड का मतलब है कि ये पॉइंट हाइपरबोला पर लाई कर, इसलिए हाइपरबोला की टेंजेंट क्वेश्चन भी दे रहा है, इनडायरेक्टली हाइपरबोला की टेंजेंट क्वेश्चन भी दे रहा है। और हाइपरबोला की टेंजेंट हमें भी लिखनी आती है। कहता है टेंजेंट टू हाइपरबोला एट x1 y1, ये तो हमें आता है, यस लिख। टेंजेंट टू हाइपरबोला एट x1 y1, हमने खूब लर्न किया हुआ है, एट वाला ये तो है x x1 y4। डाउटो वहीं पे हमें टोकना पूछना, बाय बाय 1/2 = 1। ये देखिए टेंजेंट टू हाइपरबोला एट x1 y1 तो हमें भी आता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ये जो आ गया ना, इट इज पैरेलल टू 2x - y = 0। ये जो टेंजेंट है वो 2x - y = 0 के पैरेलल है। देखो क्या लिखा है, ए लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू हाइपरबोला। मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट जो आपने 1 निकाला, दैट इज पैरेलल टू 2x - y = 0। तो पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, सो स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड दैट इज इक्वल टू माइनस, इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, इस लाइन का स्लोप 2 है। तो स्लोप ऑफ 1 2 आया, लेकिन 1 का स्लोप आप खुद भी निकाल सकते हो, 1 का स्लोप आप पे भी निकलेगा, क्यों नहीं? तो वो जो 1 का स्लोप निकलेगा यहां से वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल। तो इक्वेशन 1 का स्लोप निकालता हूं, एम ऑफ 1 कैसे निकाला जाता है? माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, ऐसे निकाला जाता है, दैट इज इक्वल टू 2। ये कर क्यों रहे हो? जो क्वेश्चन ने बोला वो एनालिसिस कर रहा हूं, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है देन x1² + 5y1² = 2। ये आपसे x1² + 5y1² की वैल्यू मांग रहे हैं, और जब जब तक वो वैल्यू नहीं आती तब तक आपको स्ट्रगल करना है, ठीक है? ओके, तो अब इसके आगे की बात करते हैं। x1 / 4 / 1/2 माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, तो ये है कितना सारा मिलके?
एक्स वन बाय फोर इंटू टू बाय बाय वन इज इक्वल टू टू। इसको मैंने थोड़ा रिपेयर किया, एक्स वन बाय फोर इंटू टू बाय बाय वन, एक्स वन अपॉन टू बाय वन इज टू, टू टू या फोर कर दिया, एक्स वन की वैल्यू फोर बाय वन आ गई। ना अभी हमें एक्स वन मिल पाया ना बाय वन मिल पाया, ये इक्वेशन नंबर वन वन टू देखो। ठीक है, इन इनकी डिमांड है एक्स वन स्क्वायर प्लस फाइव बाई वन स्क्वायर की डिमांड है। ये तो तब निकलेगा जब हमारे पास एक्स वन बाई वन मिल जाए, तब इसमें पुट कर दे तो आंसर मिल जाए। तो एक्स वन बाई वन में हम लोगों ने कोशिश करके एक इक्वेशन बना भी ली है, एक और बननी है। तो उसके लिए क्या करना, एक्स वन बाई वन लाइज ऑन हाइपरबोला, क्योंकि एट लिखा हुआ है, वो एक इक्वेशन यहां से जनरेट कर लो। तो हम यहां लिख रहे हैं एक्स वन बाई वन लाइज ऑन हाइपरबोला, लाइज ऑन एक्स स्क्वायर बाय फोर बाय स्क्वायर बाय टू इक्वल टू, और इस तरह से इस पर लाइक कराओ एक्स वन स्क्वायर बाई फोर माइनस बाई वन स्क्वायर बाय टू इक्वल टू वन पर लाइक करा दिया। एक्स वन की ये वैल्यू यहां पुट कर दे, तो एक्स वन फोर बाई वन है तो यहां पे पुट कर देता हूं, तो सिक्सटीन बाई वन स्क्वायर बाई फोर माइनस बाय वन स्क्वायर बाय टू इक्वल टू फोर, फोर जा सिक्सटीन, फोर बाय वन स्क्वायर माइनस हाफ बाय वन स्क्वायर इज वन, फोर टू जा एट माइनस वन सेवन बाय टू बाय वन स्क्वायर इज वन, बाय वन स्क्वायर टू बाई सेवन आ गया है, बाय वन स्क्वायर आया याद रखना, और हमें बाय वन स्क्वायर ही चाहिए। और x1 स्क्वायर आपका यहां से आ सकता है, इक्वेशन टू से आसानी से आ जाएगा, x1 स्क्वायर की वैल्यू है 16 बाय वन स्क्वायर 32 बाय सेवन, और 32 बाय सेवन तो आया ठीक लग रहा है। अब इनकी डिमांड जो है, इनकी डिमांड है एक्स वन स्क्वायर प्लस फाइव बाई स्क्वायर, तो एक्स वन स्क्वायर अपना बाई सेवन और फाइव बाई वन स्क्वायर आया टेन बाई सेवन, फाइव बाई वन स्क्वायर फाइव टू जा टेन बाई सेवन, ये हो गया 42 बाई सेवन, और वो हो गया सिक्स, सिक्स उसमें आंसर है अपने पास ऑप्शन में, तो यहां पर ऑप्शन डी में सिक्स अवेलेबल है और ये आपका आंसर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते चले गए, और जब नॉलेज होती है तो ऑप्शंस भी उसमें दिखाई पड़ने लगते हैं, ऐसे कर दूं कि वैसे कर दूं, तो नॉलेज होगी तो फिर ऑप्शंस भी अपने माइंड में आने लगते हैं, जिसका ऑप्शन भी था। तो इनफैक्ट मैंने 2020 का क्वेश्चन है ना, तो मैंने पहले दूसरे किसी ऑप्शन से किया था, मेरे मेरे एक्स वन का वैल्यू है एट बाई के बाई वन टू बाई के स्क्वायर 14 आए थे हमारे, लेकिन ये करने लग गए, ये दूसरी रास्ते में चल पड़ा, ऐसे फिर ऑप्शन भी नजर आ जाते हैं। अभी ये किया ये वाला पहले तो हमने ये करके देखा था 2020 का ना लेटेस्ट क्वेश्चन, तो मैंने करके देखा था एडवांस में पहले, तो मेरी फाइंडिंग कुछ इस तरह आई थी, उससे भी आंसर आ गया था, और ये दूसरे तरीके से हो गया, ये से भी बन गई बात, ऐसे है। तो नॉलेज होती है तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब दो मेथड मेरे पास हो गए, एक आपको बताया कि उसे मैंने पहले किया था एडवांस में, तो 2020 में तो और भी आए थे। एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, फॉर सम थीटा लाइंग बिटवीन जीरो एंड 90 डिग्री, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट वन,
इफ द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला इज रूट फाइव टाइम्स द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। इस बार पता है क्या बोल रहा है, इस हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी और इस एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी में रूट फाइव का वो टाइम्स का फर्क है। तो क्वेश्चन आगे चलने से पहले आपको इस हाइपरबोला का ई चाहिए और इस इलिप्स की ई चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे रीड कर सकते हैं। हाइपरबोला का ई निकाल के रखिए, जब हाइपरबोले का ई निकल जाए, हाइपरबोले का ई मान लो कैपिटल ई निकलता है तो इट इज रूट फाइव टाइम्स स्मॉल ई ऑफ इलिप्स, स्मॉल ई इलिप्स का और कैपिटल ई फॉर हाइपरबोला हमने मान लो यूज कर दिया। तो ये इक्वेशन आपको इसने दे रखी है, इक्वेशन मोस्टली आपको थीटा की वैल्यू दे देगी, शायद देखना पड़ेगा क्या वैल्यू मिलेगी इससे, शायद ये थीटा की वैल्यू देगी क्योंकि हाइपरबोला और फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको क्या मांगा आपसे, देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स, इलिप्स का एल आर मांगा, तो इलिप्स का एल आर टू बी स्क्वायर बाई ए होता है, वो बाद में निकलेगा, पहले तो इसको यूज तो करो सही, इक्वेशन वन को यूज करो फिर टू बी देखा जाएगा। तो सबसे पहले हाइपरबोले का ई निकालते हैं, ये हाइपरबोला है तो ई ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन, टेन का डिवीजन लगाओ, हाइपरबोला पहले बनाओ इसको, तो हाइपरबोला दिखता ही नहीं, टेन का डिवीजन एक्स स्क्वायर बाय टेन माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाय टेन इक्वल टू वन, और ठीक करो एक्स स्क्वायर बाय टेन माइनस वाई स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर को नीचे ले चलो, टेन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब हाइपरबोला बन गया, हाइपरबोले का जो ए स्क्वायर है, हाइपरबोले के नोटेशन ना कैपिटल ए भी कैपिटल रखने हैं, कैपिटल नोटेशन ए स्क्वायर टेन, क्योंकि इलिप्स भी इन्वॉल्व है तो बी स्क्वायर की वैल्यू टेन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर टेन बी स्क्वायर की वैल्यू टेन, और हाइपरबोले का ई गिविंग फार्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन टू ई स्क्वायर माइनस वन, बी स्क्वायर है टेन कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन ई स्क्वायर माइनस वन, ये आपको हाइपरबोले का ई दे देगा, टेन से टेन कैंसल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ई की वैल्यू हम लिखे दे रहे हैं रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये हाइपरबोले का कैपिटल ई तैयार हो गया। अब आपको इलिप्स का ई निकालना, इस मटेरियल में डाउट हो पूछो बेटे, हाइपरबोले का ई रेडी है, इलिप्स लिखता हूं और इलिप्स का ई अरेंज करते हैं। अब इलिप्स की इक्वेशन ये है, इलिप्स इज दिस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव, फाइव का डिवीजन लगा लो एक्स स्क्वायर बाई फाइव, सेक स्क्वायर नीचे ले आओ कॉस स्क्वायर थीटा बाय स्क्वायर बाई फाइव इक्वल टू वन, ठीक है। अभी क्या है, इसका ई निकालना है, तो इसके ई के लिए ई गिविंग इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल टू, इसकी इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, ई इक्वेशन तो यही है, पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डब्ल्यू बना दिया मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बात है कि क्या आप बता सकते हो ये स्मॉलर है कि वो फाइव स्मॉलर है, तो अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है, इलिप्स का पहचान करो,
एलिप्स में एक्स स्क्वायर के नीचे स्मॉलर है या वाई स्क्वायर के नीचे वाला स्मॉलर है नंबर? सर वाई स्क्वायर के नीचे वाला। हाँ एक मिनट रुकना बेटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा वो लेस देन वन होता है, अच्छा लेस देन इक्वल टू वन होता है, इसलिए फाइव कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू फाइव हुआ, और इसलिए जो देखने में ग्रेटर लगता है ये एक्चुअली स्मॉलर नंबर है, और ये रीजन है कि एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वन से कंपेयर होगा। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, तो ये जो एक्सेंट्रिसिटी इसकी इमेजिनरी आने लगती है, इमेजिनरी आएगी तो खुद ही डाउट हो जाएगा, मेरी अपनी इमेजिनरी आई थी ना, पहले एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से किया, इमेजिनरी आई, मैंने ऐसे कैसे हो गया, तब देखा मैंने ये तो स्मॉलर नंबर है। ठीक है, मैं खुद भी करता ही हूँ क्वेश्चन, मान लो करना होता है 2020 का क्वेश्चन है तो इसको फर्स्ट टाइम मैंने करके देखा, खुद करके देखा तब पता लगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके केस में 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर की वैल्यू 5 1 माइनस ई स्क्वायर, 5 से 5 काट दो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज ई स्क्वायर, ई स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ई की वैल्यू आ गई साइन थीटा, ई आप तैयार हो गया, कैपिटल ई उधर तैयार हुआ पड़ा है हाइपरबोले का, रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों में एक रिलेशन था जो बिगिनिंग में हमने बताया था इक्वेशन 1 कि कैपिटल ई इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 टाइम्स ई, क्वेश्चन में बोला हुआ कि एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज रूट 5 टाइम्स एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, इससे थीटा मिलने वाला है जो हमें आगे हेल्प करेगा, तो ई की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट 5, ठीक है ई की वैल्यू हो गई साइन थीटा, स्क्वायर बोथ साइड्स कर लो तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 5 साइन स्क्वायर थीटा, अभी कॉस स्क्वायर को ना 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो जो साइन स्क्वायर निकल सके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया तो क्या हो गया 2 इक्वल टू 5 प्लस 1 6 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 2 बाय 6 1 बाय 3, साइन स्क्वायर थीटा आपका इस जगह पर रेडी है, इसकी कुछ जरूरत होगी क्वेश्चन में, लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है ना एल आर, तो उसके लिए इसकी जरूरत है अपन को, कोई डाउट कंफ्यूजन पूछ लो बेटा। नो सर नो डाउट। ओके, साइन स्क्वायर थीटा को देखिए हम कैसे यूज करें, साइन स्क्वायर थीटा है 1 बाय 3, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 3 आया हुआ है। अच्छा अब आपको हम याद दिलाते हैं इलिप्स है लिखा सब करा किया हुआ है, ये इलिप्स है ये वाला एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, मैं यहाँ इलिप्स कॉपी कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 5 कॉस स्क्वायर थीटा बाय स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1, जो कि एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर किया था, इसी इलिप्स की एल आर निकालनी है, लेटेस्ट रेक्टम निकालनी, तो लेटेस्ट रेक्टम वो फार्मूला 2 बी स्क्वायर बाई ए ही है दोनों में, चाहे हॉरिजेंटल इलिप्स हो चाहे वर्टिकल इलिप्स हो, ये वाला फार्मूला सेम है दोनों में, तो 2 बी स्क्वायर बाई ए, ठीक 2 बी स्क्वायर की वैल्यू ये ऊपर लिखी पड़ी है 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ए कितना है रूट 5, ए स्क्वायर 5 तो ए की वैल्यू रूट 5, 2 रूट 5 हो गया, ये इतना बैलेंस हो गया 2 रूट 5, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बाय 3 पुट कर दीजिए, इंटू 2 बाय 3, ये आंसर आ गया 4 रूट 5 बाय 3,
और 4√5/c ऑप्शन सी में यहां दिख रहा है। हमने जो एडवांस में निकाला था वो भी हमारा सी निकला था, आज दोबारा निकाला फिर भी सी निकला, राइट है। और कोई डाउट हो तो पूछो बेटे। नो सर, नो डाउट। ठीक है बेटा, ओके। तो 5 मिनट में एक क्वेश्चन और आया था 2020 में, मैं कर देता हूँ लास्ट क्वेश्चन 2020 में। देखो 3 क्वेश्चन आए, लेकिन ये 3 2 पेपरों में आए थे, एक में दो आया, कई सारे पेपर होते हैं ना आजकल, एक में दो क्वेश्चन आए थे, एक में एक आया था, दो पेपर का मटेरियल है ये, वैसे मतलब एक पेपर टैकल हो चुका है, ये दूसरे किसी पेपर का, दो पेपर हमने पिकअप किए, उनमें से दो के क्वेश्चन लिख डाले, वो तो बहुत सारे होने लग गए आजकल पेपर, तो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 सबका लेवल एक होता है, पर क्वेश्चन उनमें अलग अलग ही होते हैं, लेवल एक ही है, ज्यादा हार्ड नहीं होता, यही लेवल है। ओके, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इनस्क्राइब द पैराबोला, पैराबोला बाय स्क्वायर इक्वल टू 8x, स्टैंडर्ड पैराबोला, ये स्टैंडर्ड पैराबोला अपना बाय स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसके अंदर इन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करवाया है, अच्छा, विद वन ऑफ इट्स वर्टिसेज ऑन द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है ना वहीं पर ट्राइंगल का वर्टेक्स भी है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेज होते हैं, 3 में से एक ये है, 2 और ट्राइंगल कैसा है अपना इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल थोड़ा रफ फिगर ड्रा करो, इक्विलेटरल ट्राइंगल जब पैराबोला के अंदर बनाते हैं तो पैराबोला सिमेट्रिक फिगर है, तो होता क्या है 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे ड्रा करना पड़ता है, नहीं तो इक्विलेटरल बनेगा ही नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60-60 होते हैं, तो ये पैराबोला थोड़ा जितना ऊपर है उतना नीचे है, इसलिए ट्राइंगल भी जितना ऊपर उतना नीचे बनाना पड़ेगा आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, तो 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे 60 डिग्री एंगल हो गया, और यहां पर ऑब्जर्व करना ये एंगल 60 डिग्री रखना ही पड़ेगा इक्विलेटरल के लिए, ये भी 60 रखना ही पड़ेगा इक्विलेटरल के लिए, जब ये 60 रख दिया, ये 60, ये 30 रख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली 90 आएगा, 90 आएगा और ये भी 90 आएगा, आपको जरूरत पड़े या ना पड़े, मेथड कई है क्वेश्चन करने के, किसी में जरूरत पड़ती है किसी में नहीं पड़ती, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जब पैराबोला के अंदर कभी भी ड्रा करते हैं तो वो यही शेप में बनता है, अच्छा, तो ये इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अज्यूम करो एक्स, तो ये ऊपर वाली लेंथ x/2, ये नीचे वाली लेंथ x/2, और ये चीज लगा सकते हो, ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखना बेस का नाम कुछ रख देता हूँ, OPQR रख देता हूँ, हाँ, तो ओ आर अपॉन एक्स, यहाँ ऑब्जर्व करिए, ओ आर अपॉन एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस 30 डिग्री, तो ओ आर इज इक्वल टू √3/2x, ओ आर का भी पता लग गया, ओ आर का पता क्यों लगाया, ओ आर का पता इसलिए लगाया कि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी निकाल लेंगे, अच्छा एक्स की वैल्यू ना आई जिससे, कोई जरूरी नहीं है पाइथागोरस से अब वो आ जाए, जरूरी नहीं है, तो फिर एक और काम है अपने पास, कि अपने पास एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट क्या है, ओ आर कॉमा आर पी, ओ आर मीन्स √3/2x कॉमा आर पी मीन्स एक्स बराबर, ये पी पॉइंट ना पैराबोला के ऊपर लाई करा दो तो भी एक्स आ जाएगा, पी पॉइंट देखो ओ आर कोमा आर पी इज पी, पी लाइज ऑन पैराबोला, तो बाय रिप्लेस बाय x/2 कर दो, एक्स रिप्लेस बाय √3/2x कर दो इसके ऊपर, बड़ा अच्छा बन गया, पी √3/2x कोमा x/2 लाइज
ऑन द पैराबोला बाय स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स। लाइक कराने का तरीका क्या है, रिप्लेस बाय बाय एक्स बाय टू, एक्स रिप्लेस बाय रूट थ्री बाय टू एक्स। ये एक्स की जगह मैं अगर ए ले लेता तो और अच्छा लगता आपको, ए ठीक रहता। हाँ ए बी सी कोई और सिंबल ले लेते ना, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने एक्स अज्यूम कर लिया, एक्स जो थोड़ा क्लैश कर गया है और कुछ बात नहीं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बाय फोर ये हो गया फोर रूट थ्री एक्स, टू टू फोर या एट करके एक्स से एक्स काट दो क्योंकि एक्स जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एक्स की वैल्यू सिक्सटीन रूट थ्री आ गई। ये साइड आ गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई। और ये साइड निकालने का कोई यूनिक मेथड, पहले मैंने कोई दूसरा मेथड लगाया था जिसमें ये टी वगैरह यूज किए थे, उससे भी आंसर आ गया था हमारा। अभी ये लग गया, अभी थर्ड टाइम करें तो कोई और मेथड ध्यान में आ जाएगा, वो अप्लाई कर देंगे। किसी तरह आप साइड निकालिए, और साइड निकाल के एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है आपके पास रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना ये, तो रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें 16 इंटू थ्री, जो आ जाए वो आया लिख दो और वही इसका आंसर है। थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, ये है 4 4 जा 16, तो 64 इंटू थ्री रूट थ्री, 64 इंटू 64 इंटू थ्री रूट थ्री, ये आंसर बन रहा है। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 119, 3 4 जा 12, 192 रूट थ्री आंसर बन रहा है। और अपने ऑप्शंस में के ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, पहले भी मैंने किया तो बी ही आंसर था, अभी आपके सामने किया तो भी बी आया, और पहले दूसरे मेथड से किया था फिर भी हमारा बी आया था। दूसरा मेथड है 80 स्क्वायर कॉमा 280 अज्यूम किया और दूसरे, ये थोड़ा ठीक है, ये अच्छा मेथड है। जब आप मेहनत करोगे तो आपके माइंड में फिर ऑप्शंस भी आने लगेंगे, खुद ही आने लगते हैं। और इस तरह से 2020 का लास्ट क्वेश्चन बेटे। सर एक्स की वैल्यू एक बार आप पाइथागोरस से भी बता दो। पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से एक्चुअली मैंने किया था इसको, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स की वैल्यू ना आके ना ट्रू आता है, देखो ये आएगा, वो मैंने किया था इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैं फिर उधर टिल्ट हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि जो आएगा वो रिजल्ट करेक्ट आएगा, ट्रू आएगा, पर वो क्या है कि वैल्यू नहीं आ पाती, आइडेंटिटी आ जाती है, ये उसमें ड्रॉबैक। ओ आर की वैल्यू रूट थ्री बाय टू एक्स, यूं तो ऐसे क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता है, पर मैथमेटिक्स है इसमें ऐसा होता रहता है। देखना क्या हुआ कि रूट थ्री बाय टू एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। फिर क्या हुआ, 3 बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैल्यू ना आके मतलब इक्वेशन ना आके क्या आ गई, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आपको एक्स की वैल्यू नहीं दे सकती, इसलिए वही करना इस पाइथागोरस थ्योरम इसमें सूट नहीं करेगी, वैल्यू एक्स की वैल्यू नहीं दे सकता। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम करेक्ट तो है यहाँ पर, but it cannot give you value of x because this has not given you equation, this has given you identity, and it happens many times in mathematics. इससे expectation थी कि x की value आएगी, वो value, हाँ value वो आती नहीं, वो मुझे मैंने पहले जब किया था तो मैंने वो value निकाल के देखी थी, identity पहले भी आई थी मेरी, तो मुझे वो याद आ गया, मैंने सोचा इसमें identity आनी है, तो फिर मैं उधर दूसरी तरफ twist कर गया। ठीक है, ये चीजें क्या है, मान लो एग्जाम में भी ऐसे करने लग जाओ तो आइडेंटिटी आएगी, तो खुद आप अल्टरनेटिव ढूंढोगे कि ये वैल्यू तो आई नहीं, तो अब क्या करूं। अब करो ये कि पॉइंट एक्स वन बाय वन लाइज ऑन पैराबोला, तो जब इसको पैराबोला के ऊपर लाइन कराओगे तब जाके वो एक्स की वैल्यू आएगी,
और अच्छा भी हुआ, क्योंकि पैराबोला मुझे लगता है कि पैराबोले का और कोई यूज भी नहीं है इसके अंदर। जो पैराबोला क्वेश्चन ने दिया वो कहीं तो यूज होना चाहिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम से एक्स निकल जाता है तो पैराबोला कहाँ पर यूज किया? केवल वर्टेक्स बनाने के लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का जो 8 है दैट इज नॉट यूज एट ऑल। तो इसलिए वो पाइथागोरस थ्योरम से इसे आना भी नहीं चाहिए। क्यों? उससे आ गया तो पैराबोला इसने क्यों दिया? ठीक है बात। हाँ जी सर। पैराबोला यूज करना जरूरी था और क्वेश्चन ने यूज करा ही लिया उसको। और कुछ बेटे? ठीक नो सर, थैंक यू सर। है बेटा।